जैसे कि आप लोग को पता ही है 15 अगस्त कल है और 15 अगस्त की सुरक्षा के लिए जो भी हमारे पास इंटेल इनपुट्स आए हुए हैं तो उसी से रिलेटेड ये हमारा जो दौरा है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है आरपीएफ की तरफ से या हमारे जीआरपी की तरफ से, बस वही देखना है कि यहाँ जो मुलाजिम है ठीक है कम है ज़्यादा है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से उनकी डिप्लॉयमेंट किया जा सके। 15 अगस्त को लेके जो हमारे प्रबंध है वो तो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पे जब जैसे ही मैसेज मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ तालमेल करके उनकी भी फोर्स आ जाती है, हमारी फोर्स ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम यहाँ पे सारा चेकिंग वगैरह गश्त वगैरह ज़्यादा बढ़ा देते हैं, नहीं तो रूटीन में हमारा गश्त और ट्रेन में जो स्पॉट ड्यूटी होती है वो हमारी चलती रहती है। हिदायतें तो ये है कि ये जो 15 अगस्त का दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन बड़े सारे जत्थेबंदियों की तरफ से इधर उधर से कई तरह के मतलब कि थ्रेट्स आए हुए हैं, तो उसके मद्देनज़र मैक्सिमम अलर्ट रखा जाए, ठीक है, कि जो भी ट्रेन यहाँ से आ रही है जा रही है प्रॉपर गश्त ड्यूटी करते हुए उनको कवर किया जाए, कोई भी शक्की चीज़ हो उसके ऊपर निगाह रखा जाए। सीसीटीवी हमारे लगे हुए हैं, कवर हो रहे हैं, जहाँ नहीं कवर हो रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वहाँ पर कैमरे लगाए जाए। वो जो धमकी है किसी स्पेशल किसी स्टेशन का नहीं है, वो एक जनरल है, उसके मद्देनजर ही हर जगह सुरक्षा हमें देखनी है। देखिए हमारे तो जो स्टेशन है यहाँ वो हर फजिलका गुरु हर सहाय और आगे फिरोजपुर वगैरह से चला जाता है, तो यहीं पे हम देख रहे हैं जो भी स्टेशन रास्ते में। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਉਹ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 0 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ